अपवर्तन क्या होता है और परावर्तन क्या होता है। अपवर्तन परावर्तन आप लोग पढ़े थे, ये एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। आपको जब मैंने प्रकाश चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें ये चीजों को मैं पढ़ाया था, अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हमने ये आप दर्पण पढ़ाया था, पढ़ाया था दर्पण पढ़ाया था, इसमें दर्पण हमने पढ़ाया था, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। उसके बाद हमने लेंस भी पढ़ाए थे, अवतल लेंस उत्तल लेंस, पढ़ाए थे। तो दर्पण का मतलब क्या होता है, जब लाइट जाएगा तो ये वापस आ जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन लेंस में होता क्या है, लाइट बाहर निकल जाता है। क्या होता है, लाइट बाहर निकल जाता है। यानी कि तो अगर जिस दिशा से गई और उसी दिशा में वापस आ जाए उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और जिस दिशा में गई और आगे की तरफ बढ़ गई, यानी कि गई लेंस पार करते हुए आगे निकल गई, उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, अब याद कैसे रखिएगा इसको, याद कैसे रखिएगा इसको, इसको याद रखने का तरीका यह है कि देखिए, परावर्तन मतलब से क्या होता है, पीछे, यानी कि जैसे गया और अब पीछे की तरफ लौट के आया उसे क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तन। और प्रकाश की किरण गई और आगे की तरफ निकल गई उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों को मैं रिवाइज करा रहा हूँ। और एक चीज़ और कि हमने बोला था, एक होता है सघन माध्यम, क्या होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम और सघन माध्यम का मतलब यह होता है कि जहां की भी कोई भी चीजें जो वस्तु को क्या हो, काफी क्लोज हो। और विरल माध्यम का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कि कहने का अर्थ यह है कि सघन माध्यम मतलब कोई चीजें कभी काफी क्लोज हो, और विरल मतलब क्या होता है, अलग अलग हो। इसे बताइए, हवाएं जो होती है वो क्या एक बहुत क्लोज होती है, हवा जो होती है बहुत पास में होती है, नहीं होती है ना। तो जो भी चीज़ हवा में तुमको दिख रही है वो क्या होगी, विरल माध्यम होगी। ठीक है, बिखरा हुआ, विरल मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ। बिखरा हुआ मतलब चीज़ क्या होता है, मान लो हमने कॉपी ठीक करके रखा है, ऐसे फेंक दी तो क्या होगा, बिखर जाएगा ना, बिखर जाएगा ना। तो जो बिखरा मतलब कि विरल मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ, यानी अलग अलग, बात समझ रहे हैं। तो उसको कहेंगे विरल माध्यम। सघन मतलब मतलब सरिया के कोई चीज़ रखे हुए हैं, ठीक करके रखे हुए हैं, उसको क्या कहेंगे, सघन माध्यम। उसी तरीके से अब कैसे क्या होगा, देखिएगा, हम लोगों ने कांच के एक स्लैब को मैंने पढ़ाया था आपको, कांच के स्लैब को, तो ये जो हमारी प्रकाश की किरणें यहाँ तक आ रही है ये कहाँ है, सघन माध्यम में कि विरल माध्यम में, विरल माध्यम में, हवाएं में ना, हवा में है। अभी मान लो कि हम लोग जो है अभी जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो क्या हवाई में देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। अगर वहीं हमारे सामने लेंस आ जाए और लेंस के नीचे कुछ रखा हुआ है तो हमारी जो किरण है पहले लेंस पर पड़ेगी फिर अंदर जाएगी तब ना वापस आएगी। तो जब भी जो कुछ भी हवा में, यानी कि ये लेंस के अंदर जब तक नहीं गया है किरण तब तक क्या है, हवा में है। हवा में है तो यानी कि किस में है, विरल माध्यम में है। किस माध्यम में है, विरल माध्यम में है। अब बताइए, अब ये क्या है, शीशा है आपका, क्या है, कांच का स्लैब है आपका। तो ये बताइए, इसके जो पार्ट्स है काफ़ी एक दूसरे के क्लोज है कि नहीं है, नज़दीक है कि नहीं है, तभी ना जाके ये एक सॉलिड शेप में बना हुआ है। तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सघन माध्यम। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सघन माध्यम। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, विरल माध्यम हवा में हो और सघन माध्यम मतलब किसी वस्तु में हो, बात समझ में आ रही है। और यह वस्तु कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब मैंने बताया था कि जैसे कि मान लीजिए कि टेम्पल ग्लास आप लगवाते हैं मोबाइल के ऊपर तो क्या होता है, पारदर्शी होता है। आप देखिए कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा जिस पेपर में रखा होता है वो पेपर क्या होता है, पारदर्शी होता है। बात समझ रहे हैं, जैसे हमारा ग्लास चश्मे का जो ग्लास है वो क्या है, पारदर्शी है। बात समझ रहे हैं ना, तो कोई चीज़ पारदर्शी रहेगा तभी हमारा लाइट क्या करेगा, पास करेगा, नहीं तो पास नहीं करेगा। मान लीजिए जैसे हम लोग शीशा में मुंह देखते हैं ना, है ना, तो क्या वो पारदर्शी है, क्या अपारदर्शी है, अपारदर्शी। अगर पारदर्शी होता तो मुँह उसमें शक्ल ही नहीं दिखाई देता क्योंकि लाइट पास कर जाता है।
समझ रहे ना, तो वह अपारदर्शी है। चलिए, जैसे कि आप बात कीजिएगा किसी टेबल पे जाते हैं ऑफिस में, टेबल के ऊपर जो ग्लास लगाया रहता है वो पारदर्शी होता है क्या? अपारदर्शी होता है, वो पारदर्शी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर लाइट दिखेगा, लाइट जलेगा तो नीचे की चीज़ क्या होती है, दिखती है आपको, ऊपर की चीज़ें नहीं दिखती है। सॉरी, नीचे की चीज़ें रखी हुई चीज़ें दिखती है आपको, और वहीं अगर ये मुँह देखने वाला शीशा रखिएगा तो मुँह दिखेगा लेकिन नीचे की चीज़ नहीं दिखेगा। बात समझ रहे हैं ना, उसको अपारदर्शी पारदर्शी समझ में आ गया, और सघन और विरल भी समझ में आ गया। अब एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि विरल माध्यम से अगर मैं आपको ये हवा में कोई चीज़ फेंक रहे हैं उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और वही चीज़ अगर आप पानी में फेंक रहे हैं, पानी में ऐसे नहीं हम लोग फेंकते हैं, तो उसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या आप ही को कहा जाए कि दौड़ो तो रोड पर आप बहुत अच्छा से दौड़ लीजिएगा, दौड़िएगा नहीं दौड़िएगा, लेकिन वही पानी में कहा जाए तो दौड़ पाइएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से हवा जब जब प्रकाश की किरण जो निकल रही है, सूर्य के प्रकाश की किरणें या इसकी प्रकाश की किरणें जो भी निकल रही है, जब हवा में है यानी कि विरल माध्यम है, तो क्या उसकी प्रकाश का चाल अलग होगा? और जब सघन माध्यम में जाएगा यानी किसी कांच के स्लैब में जाएगा या किसी तरह में जाएगा, उसका स्पीड कम होगा कि बढ़ेगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम होगा तो यहाँ पे एक होता हम लोग खींचते हैं अभिलंब, खींचते हैं क्या, खींचते हैं अभिलंब। तो जब सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश के किरणें अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। क्या हो जाती है? झुक जाती है। अरे क्योंकि स्पीड इसका कम होगा तो जाना चाहिए था इसको यहाँ पे, नहीं, लेकिन झुक गया तो थोड़ा सा आ गया नीचे। बात समझ रहे ना। अब जब यहाँ पे भी एक हम लोग क्या डालते हैं, अभिलंब डालते हैं, इसको हम लिख देते हैं अभिलंब। बात समझ में आ रही है? देखिए, अब यहाँ से जब प्रकाश की किरणें निकलेगी ना, तो अभी क्या करेगी, ये भागेगी कहाँ से, और अभिलंब से दूर। यानी देखिएगा अब यहाँ पर उल्टा क्या है कि हवा में से जब जाएगी किस में, शीशा में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन वहीं फिर शीशा से जब बाहर निकलेगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। बात समझ में आ रही? इसीलिए आप देखिएगा, आप पेन है, मार्कर है, या फिर किसी तरह की चीज़ों को शीशा के ग्लास में रखिएगा, या किसी ग्लास के पानी रख दीजिएगा उसमें, और इसको डालिएगा, आपको लगेगा यहाँ से टूटा हुआ है, टेढ़ा दिखता है, दिखता है। और शीशा जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कटोरा में पैसा रख दीजिएगा, वो सिक्का, और यहाँ पर देखिएगा नहीं दिखेगा, और जब उसी में पानी डाल दीजिएगा तो सिक्का दिखने लगेगा। वो क्यों होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण वो चीज़ आपको दिखाई देती है, ठीक है। अब आती है हम लोग लेंस अपवर्तन। क्या होती है अपवर्तन? का मतलब लेंस से बाहर निकल जाना। जैसे मान लीजिए जो घड़ी बनाता है सब, घड़ी बनाता है सब, देखिएगा जब जाइएगा बनवाने तो जब खोलेगा ना तो अपने आँख में इतना बड़ा चीज़ लगाता है एक, ऐसे खोल के, तो क्या लगाता है, लेंस लगाता है, ताकि बड़े चीज़ों को क्या करे, छोटे चीज़ों को क्या करे, बड़ा बड़ा करके वो देख ले। जैसे मान लीजिए कि दांत का डॉक्टर है, चाहे किसी तरह का कोई डॉक्टर है, क्या करेगा, अब छोटा छोटा पार्ट देखना है उसको, अब लगा लेता है सब चश्मा, ताकि छोटा चीज़ क्या करे, बड़ा दिखाई दे। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज़ें हमारी लेंस के बारे में पढ़ना था, मतलब कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना था। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म पढ़ेंगे। और ये जो प्रिज्म है ना, ये एक प्रिज्म एक नाम है इसका। तो प्रिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे ये जो कांच के स्लैब आपने पढ़ा है, ऐसे ऐसे तीन कांच के स्लैब उसमें दिखाई देता है आपको, मतलब एक कहा जाए शीशा का त्रिभुज। बात समझ रहे हैं ना, एक तरह से उसको कहा जाए तो शीशा का क्या, त्रिभुज। तो शीशा का त्रिभुज बनेगा तो कुछ मान लीजिए ऐसा ऐसा बन जाएगा, मान लीजिए थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर दें, तो सपोज मान लीजिए इसी प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म हो गया, मान लीजिए शीशे का त्रिभुज, यानी कि सब इसका है भरा हुआ, शीशे से भरा हुआ, ठीक है। अब ये बात बताइए, अब ये जब किरण आ रही है, मान लीजिए हम यहाँ पे ये प्रिज्म बना दिए, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइट को पास कर रहे हैं, लाइट को पास कर रहे हैं। प्रिज्म के बारे में समझा देते हैं, उसके बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं, एक बार समझ भी लीजिए। प्रिज्म क्या होता है, एक पारदर्शी होता है, होता है ना, और शीशे का क्या होता है, त्रिभुज होता है, जो तीन सतहों से मिलकर के बना होता है। किस सतहों से मिलकर बना होता है, तीन सतहों से। लेकिन जब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा जब तीन सतह मिलेगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसा गड़बड़ बन गया, जो भी बनेगा इस तरह बनेगा, मान लीजिए
तो इसमें देखिएगा एक सतह, दो सतह और तीसरा सतह यहाँ पर दिख रहा है, तीन सतह से मिलकर के क्या बना होता है, प्रिज्म बना होता है और इसमें लगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे भी एक क्या आयत है, यहाँ पे भी आयत है, नीचे भी क्या होगा आयत होगा, लेकिन यहाँ पे एक देखिएगा इस शेप पे जो दिख रहा है आपको एक त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर भी एक त्रिभुज बनेगा और उधर भी एक त्रिभुज बनेगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से कहा जाता है इसमें तीन गो आयत होता है और दो गो क्या होता है त्रिभुज होता है, बात समझ में आ रहा है। कुल मिला के कितने सतह होते हैं इसके पास, पाँच सतह होते हैं, अरे बात समझ में। हेलो, चलिए अब इसी में हमको क्या करना है, लाइट को पास करना है, ठीक है, को बढ़िया से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा आप हमको बोलिएगा फिर समझाएंगे। अब देखिएगा जो भी हमारे मान लीजिए हमारा यहाँ पे हमने बल्ब रखा था, एक तो बल्ब रखा था मान लीजिए, और यहाँ से जब लाइट निकला या सन मान लीजिए, जो को भी आना मान लीजिए, यहाँ से जो लाइट निकला, यहाँ से एक लाइट थोड़ी निकलेगा, हज़ारों की तादाद में लाइट, बहुत बहुत मिलियनों में निकलेगा लाइट, लेकिन हम फिलहाल में एक लाइट को लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लाइट निकला, जो भी लाइट हमारे बल्ब से या सूर्य से जो भी किरणें आ रही है, क्या जो भी किरणें आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जब ये इसमें पास करेगी, इसमें जब ये पास करेगी जो भी जितना दूर तक ये, अरे यार, जितना दूर तक ये लेंस के अंदर है उसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तित किरण, क्या बोलते हैं हम लोग अपवर्तित किरण, किसी को दिक्कत। जब ये बाहर निकलेगी तो थोड़ा इस तरीके से निकलेगी, इसको कहेंगे हम लोग निर्गत किरण, क्या कहेंगे निर्गत किरण, बात समझ में आया, ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। आएगी तो आपतित किरण, जब लेंस के अंदर है तो अपवर्तित किरण, बाहर निकलेगी तो निर्गत किरण, ये क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक डालते हैं अभिलंब, क्या डालते हैं अभिलंब, बताए ना कि जो भी हम लोग जो कांच के स्लैब में कुछ चीज़ें अभिलंब डालते हैं, क्या डालते हैं अभिलंब डालते हैं, तो हमने डाला यहाँ पे एक अभिलंब, क्या डाल दिया अभिलंब हमने डाल दिया, और एक अभिलंब हमने यहाँ पे भी डाल दिया, जो क्योंकि दोनों कांच के स्लैब ही है ना, तो ये बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। चलिए ये अभिलंब है और ये भी अभिलंब, यहाँ देखो, ठीक है। अब देखो अभिलंब तो समझ में आ गया आपको, यहाँ पे देखिएगा एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताए थे कि देखिएगा कभी भी एक ही पॉइंट से जब दो किरणें निकलती है तो बीच के गैप को क्या कहते हैं हम लोग, कोण कहते हैं, ये मैथ का चीज़ है, ठीक है। एक ही पॉइंट से जब दो किरणें निकलती है, दो किरणों के बीच में जो गैप बनती है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इस वाले कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण, इसको दिखाते हैं हम लोग कोण आई से, ठीक है, किसे दिखाते हैं कोण आई से, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, बन रहा है ना, यहाँ पे एक कोण नहीं बन रहा है, इस कोण को बोलेंगे अपवर्तन कोण, इसको दिखाते हैं कोण आर से, बात समझ में आ रही है। चलो ये तो समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे कोण आई हो जाएगा, यहाँ पे कोण आर हो जाएगा। अच्छा चलिएगा भाई देख लेते हैं, अब यहाँ पे भी एक कोण, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। चलो तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसे दिखाते हैं, इसको कहते हैं निर्गत कोण, क्या कहते हैं बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है। अब यहाँ पे मैं इस वास्ते इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। इस लाइट को जाना चाहिए था कहाँ, हमने जो लाइट को पास किया इसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था ना, लेकिन घूम गया नीचे। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जा रहा है सीधा, लेकिन आप यहाँ पे खड़े होकर देखिएगा तो लगेगा कि लाइट इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है,
अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो जो किरण दिखेगा तो उसको क्या लगेगा कि सीधा आ रहा है कि इधर से तिरछा आ रहा है, लगेगा कि सीधा आ रहा है। तो इसको जाना चाहिए था सीधा और ये चला गया ऐसे। तो यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, यहाँ ब्लैक कलर से जो बना रहा है, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको इस कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं हम लोग? बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत कहीं पे भी? वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है जैसे कि देखिए कोई किरण आ रही है ना, उसको कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। और विक्षेपण का मतलब होता है उसका बटना। क्या होता है? बटना। बात समझ रही है? वर्ण का मतलब होता है प्रकाश किरण और विक्षेपण का होता है बटना। बात समझ में है? इसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये कैसे होता है ये देख लीजिए। सपोज मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा अभी, ये एक प्रिज्म है। एक चीज तुम लोगों को नहीं बताया, प्रिज्म कोण क्या होता है। देखो जब दो सतह है, एक ये सतह से जाकर मिला है और ये सतह से जाकर मिला है, जो यहाँ पे कोण बना है ना, इसी कोण को कहते हैं हम लोग प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण को हमेशा बढ़ाई से दिखाया जाता है। किसे दिखाया जाता है? बढ़ाई से दिखाया जाता है। अब आगे देखिए। अब मान लीजिए कि श्वेत प्रकाश का मतलब क्या होता है? श्वेत प्रकाश का मतलब होता है उजला लाइट। क्या होता है? उजला लाइट। श्वेत देखना कि श्वेत का मतलब क्या होता है? उजला। जैसे हमारी ये बल्ब जल रही है, मारकरी जल रही है, इसमें कौन से बल्ब निकल रही है, कौन सी किरण निकल रही है? श्वेत प्रकाश निकल रही है। जो अभी किरण निकली है उसमें जो ज्यादा लाइट निकल रही है, कौन सा प्रकाश निकल रही है? श्वेत प्रकाश निकल रही है ना, उजला निकल रही है ना। तो श्वेत प्रकाश जो है ना, ये सात रंगों का मिश्रण है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है। देखिए अब यहाँ से जब ये किरण यहाँ से जब निकलेगा ना, तो ये किरण यहाँ से हम लोग को निकले, जब प्रिज्म यहाँ से जब हम लाइट को पास करेंगे तो यहाँ से ये बटना शुरू हो जाता है। क्या होता है? ये बटना शुरू हो जाता है और बाहर ही क्या होता है, निकलता है सात रंग लेकर के। कितने रंग? बोले तीन तीन छ। कितने रंग लेकर निकलता है यहाँ से? सात रंग निकलता है। देखिएगा यहाँ पे सात रंगों का जो बटना होता है ना, यहाँ से एक रंग आया श्वेत प्रकाश, बाहर निकला कितना? सात रंग। ये सात रंगों में बटना ही विक्षेपण कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जो सात रंगों में बटने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सात रंगों में बटने की क्रिया को श्वेत प्रकाश को सात रंगों में बटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी कि जो किरण आई, एक किरण आई थी श्वेत प्रकाश, जब इसमें गई तो ये कितने रंगों में बट गई? सात रंगों में बट गई। तो जो श्वेत प्रकाश का समान सात रंगों में बटने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? चलिए अब ये सात रंगों का तो बना है, देखिएगा ये एक पट्टी सा बना हुआ है। मतलब पट्टी सा बना का मतलब एक लेयर बना हुआ है, एक साथ जुड़ के ना बना हुआ है। तो जो एक साथ जो ये लेयर बना हुआ है, ये पूरे पट्टी का नाम है स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्पेक्ट्रम कहते हैं, या इसको कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट। बात समझ में आया कि नहीं समझ में? यानी कि जो भी ये सात रंगों में बटने की क्रिया हुई उसको क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण। अच्छा ठीक है। और जो ये पट्टी बन के तैयार हुआ इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णपट। ठीक है। किस किस रंगों से मिलकर बना होता है? किस किस रंगों से मिलकर के बना होता है? इसका रंग होता है, देखिएगा
बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, नारंगी और ठीक है। तो यहाँ पे होता है बैजानी पिनाला, ठीक है, ये आइएगा बात बता रहे हैं। ये कितने रंगों का वर्णपट बनता है? सात रंगों का वर्णपट बनता है। और सात रंगों का जो वर्णपट बनता है, ये सातों रंगों को हम कैसे याद रखेंगे, इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो होता है विव ग्योर। विव ग्योर मतलब वी से क्या, वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, तो इस तरह कह सकते हैं। या हिंदी में हम लोग कहते हैं बैजा नी पिनाला। बैजानी पिनाला मतलब क्या है? बैजानी पिनाला का मतलब कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ठीक है। तो बैजनी पिनाला इसको याद कर दीजिए, इसको लिख लीजिए पहले, फिलहाल मैं बाकी मिठा के लिखते हैं। लेकिन ये बात बताइए आपको, इसकी खोज किसने किया था? ये जो सात रंगों का दिखना अचानक ऊपर वाले तो नहीं ला के दिखा दिया कि बेटा देखो ये है, नहीं, इसका किसी ने खोज किया था। इसका खोज किसने किया था? आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन इसका खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। हाँ, कब किया था ये, किसने खोज किया था इसका? आइजक न्यूटन ने खोज किया था। और कब किया था? 1665 ईस्वी में किया ना। वर्णपट ये हमारे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? वर्णपट दो प्रकार का होता है। स्पेक्ट्रम हमारे दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। अशुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या, देखिएगा, शुद्ध का मतलब क्या, अशुद्ध का, कभी कभी क्या होती है, ये सात रंगे जो है ना आपको क्लियर दिखाई देती है कि भाई बढ़िया से इसमें सात कलर है, ठीक है, लेकिन अशुद्ध में क्या होती है, एक दूसरे को वो ओवरलैप हुई रहती है, यानी कि कभी मिक्सर दिखाई नहीं होता है, मिक्स किया हुआ कलर। तो उसी तरीके से जो एकदम साफ साफ दिखाई दे उसको शुद्ध कहते हैं, शुद्ध स्पेक्ट्रम कहते हैं या शुद्ध वर्णपट कहते हैं, ठीक है। जो अलग अलग नहीं दिखाई दे, जो एक है मिक्स दिखे, साफ साफ अलग अलग नहीं दिखे, उसको क्या कहते हैं? अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया बात समझ में? अब इसी के बारे में कहते हैं कि पुनः निर्माण क्या होती है। पुनः निर्माण क्या होती है, देखिएगा, आप समझिएगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये आइजक न्यूटन ने जब काम किया, इसको मिटा देना, चल, आइजक न्यूटन ने जब काम किया तो सोचा ये कि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जब हम एक प्रकाश, एक प्रिज्म से होके गुजार रहे हैं इस लाइट को, तो सात कलर निकल रहा है, तो हो ना हो कहीं हम फिर एक और प्रिज्म रख के देखें तो कहीं और बट जाए। तो जब उन्होंने ऐसा रखा प्रिज्म को अपने, फिर इसी तरह सीधा, तो ये लाइट जब उसमें पास किया, जैसे मान लिया हमने यहीं पर रख दिया, यहीं पर, तो ये जब लाइट यहाँ से पास किया ना, बाहर निकला, लेकिन कोई बदलाव नहीं लिया उनको, कुछ बदलाव ही नहीं मिला उनको। तो सोचे कि हो सकता है कि भाई ऐसे रखने से ना निकले, तो उल्टा रख के देखते हैं एक बार। तो उन्होंने क्या किया, उल्टा रखा। उल्टा रखा मतलब ऐसा प्रिज्म को उन्होंने रख दिया। जब उन्होंने ऐसा प्रिज्म को रखा तो जब ये लाइट पास किया ना, तो बाहर का निकल गया, एकदम सीधा जाके व्हाइट लाइट निकल गया, यानी श्वेत प्रकाश निकला। क्या निकला? श्वेत प्रकाश निकल गया। देखिएगा, जब आप अच्छा काम कीजिएगा ना, कोई भी अच्छा काम, तो आपको पैर खींचने वाले लाखों लोग मिल जाते हैं। आप बुरा काम कीजिएगा तो भाई आप कर गए रहे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से लाइट गया, इन्होंने पास कर दिया, लोग देख सोचा कि लग रहा है जब शिशुआ का बना है ना, एसी में कोनो जादू उदू है, ऐसे सोच रहा है कि हम बा बड़का काम कर दिए। तो बोला कि तो और भी कुछ प्रूफ करके दिखाइए। तो उन्होंने जब ऐसा किया तो फिर सीधा रखा तो कुछ बदलाव नहीं दिखा, फिर उल्टा जब रखे ना, तो जिस तरीके से श्वेत प्रकाश आई थी
उसी तरीके से सूर्य प्रकाश बाहर निकल गई, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पुनर्निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्निर्माण। क्या कहते इसको? पुनर्निर्माण। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये ठीक है, जब ये जैसे प्रकाश गया वैसे प्रकाश बाहर निकला, उसको क्या कहेंगे हम लोग? पुनर्निर्माण कहेंगे। कोई दिक्कत?